हेलो दोस्तों दोस्तों देखिए, हम पहले तो सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहते हैं कि पिछले 3 ब्लॉग में हमने सिर्फ चचा रसूल बोल बोल चचा रसूल को। अब ये फाइनल पार्ट है, इसमें चचा जो है वो आपके सामने है। अगले 2 सेकंड में आपके सामने चचा खुद होंगे। उनकी बातों पे गौर कीजिएगा सामने, और उसमें से कौन सी ऐसी बात जो सबसे दिलचस्प आपको लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, यहाँ की कुछ जानकारी दे पाएंगे हम तो भैया ज्यादा पुराने आदमी बता पाए। अरे तो हाँ चाचा, हमसे तो पुराने पास सही है चाचा। हाँ बताओ भैया, कहाँ रहते हैं आप? हमें तो कंडला में। यहाँ से कितनी दूर है? ये जो अब की बार फसल आई है आम की, क्या कहते हैं, सही आई है? हर बार से ज्यादा आई है कि कम आई है? आई घर लेके सब रोग लग गया। रोग लग गया कैसे? काला। कैसे रोग कैसे लग गया? रोग जो है नीचे से अच्छा ऊपर बिल्कुल काला। तो आपकी तो फसल बहुत देख के खानी पड़ेगी, जैसे हर बार हम चूस चूस के खा लेते थे वैसे काट काट के सारे आम खाने होंगे। सब बगैर काटे हुए थे। अच्छा चाचा, ये बताइए मतलब गाँव जो है ये हमें तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोग तो रहते हैं शहर में, गाँव में जो फ्रेश हवा ऑक्सीजन मिलती है तो मिलती नहीं। तो पहले के बनस्पत अब जैसे रोड बन के पहले सब कच्चा था, पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? नहीं वैसे तो आप अच्छा है, अब अच्छा है, रोड है हो गया है। हाँ सुधा है, काला किचन है, पहले जाए अब बात में गहरे लगाओ कहीं पे जाओ। हाँ हाँ मैडम, किसानी करते हैं या किसानी का धान? किसानी है, एक परिवार लिया काम है। हाँ 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 तो भी कहाँ से आ रहे हैं अभी? आप कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन अच्छा अच्छा चाचा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी मुहान जाना, मुहान जाके रसूल तू गाँव है, कत्ता तू से पापा है, मतलब हम उसी गांव से हैं, मगर अब चूंकि बड़े हो गए हम लोग, हमेशा से शहर में रहे तो गांव बहुत कम होना होता है आना। हाँ तो रास्ते की कुछ जानकारी लोगों को दी जाए तो आई ठीक है। पहले चाला पीछा रहे, आप चाला पीछा रहे। हाँ हाँ अब गंदगी मतलब पहले वाली अपने गई। हाँ 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 चाचा, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम सत्यूलाल। सत्यूलाल, यही आस पास आपका गाँव है? सैदुल्ला नगर। सैदुल्ला नगर, चाचा बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमको समय दिया अपना। अच्छा फिर अभी हमें यहाँ से मोहान की तरफ जाना है तो कितना समय लगेगा यहाँ से पहुँचने में? मान लीजिए 5 मिनट। 5 मिनट का रास्ता बचा है, वापिस चलते हैं हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, मोहान की तरफ। प्लग देखो, निकाल कर सोच का प्रूफ पास से फिर से प्लग कराओ। किक मारो, बैटरी उतर गई। दौड़ा के पूछो वैसा करो, घर में आराम कर बैठो, हम टोचिंग करें बता, बैठो बैठो चल रही बैटरी बोल लो। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा चचा को, चचा ने कितनी प्यारी बातें बताई। हमें कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा कि इन चचा ने जितनी भी बातें बताई उनमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगी। और उसके बाद में जो भाई साहब हमें मिले गाड़ी को खींचते हुए, इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली में, और खैर वो सॉर्ट आउट हो गया, वो चले भी गए, उन्होंने हमको थैंक यू भी बोला है। बहरहाल हम लोग उसके बाद में आगे बढ़ते गए और मौसम का मजा लेते गए, और रास्ते में हम लोगों को मिली आम की मार्केट जो कि आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया मार्केट थी, बहुत मतलब फ्रेश और ताज़ा सारी चीज़ें जो थी वहाँ सब फ्रेश थी बिल्कुल। और उन सबको देखते देखते मौसम का मजा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए, मोहान चौराहे पे पहुँचे। मोहान लखनऊ से जब आप जाएंगे रसूलपुर कभी भी तो बांगरमऊ रोड पे मोहान चौराहा बड़ा चर्चित है, आप वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से कई रास्ते कटे हैं, कभी कोई किधर जाता है कोई किधर जाता है। अभी हमारा मेन फोकस था, बिग बॉस ने हमें जो मिशन दिया था वो दिया था कि आप रसूलपुर जाएं, और हम बिग बॉस का आदेश कैसे काट सकते हैं भाई, तो हम निकल पड़े थे। जहाज कितना अच्छा लग रहा है, रोड है मतलब गांव है मगर रोड बनी हुई है तो सफर करना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ से देखिए 2 रास्ते से एक अजैन गया हुआ था उस तरफ, और इधर ही हम मुड़ गए अपने रास्ते से रसूलपुर के लिए। रसूलपुर गाँव अभी जैसे ही पहुंचेंगे, बस कुछ ही मिनट में पहुंचने वाले हैं समझ लीजिए। वैसे तो बहुत समय लगा था मगर वीडियो को हमने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए उतना समय नहीं ले सकते, तो इसलिए थोड़ा छोटा किया, आपको जल्दी से पहुंचाते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं हसनगंज है, ये पूरी मार्केट है, पूरा गांव यहीं आता है शॉपिंग करने, बैंक भी यहीं है, सारी चीजें यहीं उपलब्ध है गाँव की, तो रसूलपुर और आस पास के यहीं आते हैं। ये देखिए आम की मार्केट है, लोग रिक्शा पे बैठे हैं, सब अपना अपने पास से आम ले लेके आए। ये जो मार्केट है मंगल को लगती है, मंगल के दिन ये मार्केट वहाँ पे रोज लगती है, मंगल को, और लोगों से जानकारी ली थी तो शनिवार को भी लगती है, तो सैटरडे एंड ट्यूजडे को
ये मार्केट आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है और सस्ती है और अच्छी है, फ्रेश है, ताजा है, कपड़ा लगता भी मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। और ये पंचायत भवन है अकबरपुर का, अकबरपुर में पंचायत भवन, आज ये पंचायत भवन है। अकबरपुर में थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, रुके इसलिए थे कि मतलब जो है रास्ता, जैसे कि मैंने तीसरे पार्ट में बताया था आपको, थोड़ा सा रास्ता बताते हैं तब तक थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अकबरपुर से रसूलपुर के लिए मुड़ चुके हैं, बहुत जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं, अपने मिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे बगल से एक बस निकल के गई है, वो बस यहाँ से सबको लेके जाती है स्कूल। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम लोग पूरी तरीके से रसूलपुर के अंदर एंटर कर चुके हैं। रसूलपुर में जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये जो इधर उधर झुकी झोपड़ी दिख रही है, झुकी झोपड़ी नहीं है, सब दुकान है, मार्केट है। अब हम पहुँच चुके हैं होटल पे। मतलब जो है दो तीन पाँच दस समोसे ले लो, दो भैया दस समोसे ले लो, गरम वाले जलेबी दे देना भैया, गरम वाली दस दे दो, पानी इस हजार से पड़ा है ना हम पे, फसल बहुत खराब है। देखो भैया हम लोग आ रहे हैं बाग, बाग में हम लोग गिनेंगे आम, ये देखो आम पड़े हैं, मिले कैमरा मैन चांद को आम मिले, देख के कार कितना बढ़िया होना, ये देखिए कितना बढ़िया दशहरी का बच्चा है, दशहरी का बच्चा है चांद आप कैमरा मैन बता रहे हैं। ये हम लोगों का टूर है, बाग में हम लोग आए और बाग में आम ढूंढे और यार बड़ा बढ़िया है। तो सब हम लोग बाग से वापस आ रहे हैं और बाग में खूब आम हम लोगों ने बटोरे, कटहल भी तोड़ा, अब हम लोग आगे रोड पे और बाग से निकल रहे हैं और अब यहाँ पे हम लोग वापसी करेंगे अपने घर के लिए। देखिए कैमरा मैन चाहना आप, हेलो हेलो, देखिए हर तरफ बागी बाग, बच्चे झूले झूल रहे हैं बागों में, झूला झूलना किसको नहीं पसंद है। देखिए दोस्तों असली मजा ये है जिंदगी जीने का, बच्चों को देखिए कैसे बेखौफ होके डंठल में जो है ट्यूब का सपने ही बनाया होगा। कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि किस किस ने ऐसे झूला झूला है, बहुत मजा आता है, हमने तो झूला है। और ये देखिए बच्चे इधर सब खेल रहे, अब छुट्टी छुट्टी चल रही थी इस समय, और बच्चे देखिए कितनी छोटी बच्ची है और भैंस को कैसे लेके आ रही है। ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई है तो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, ख्याल रखें अपना।